नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। अभी हम दिल्ली के मशहूर चितरंजन पार्क के फिश मार्केट में हैं, जिसे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक नोटिस सर्व किया, क्योंकि यहां पे कई दुकानदारों ने को ये वर्बल कहा गया कि आप या तो इन प्लेटफॉर्म्स को कंक्रीट का बनाइए और उनको सेफ बनाइए, ताकि नियमों का पालन हो सके फिश के ट्रेड के हिसाब से, नहीं तो इन प्लेटफॉर्म्स को आप उन्हें टेम्परेरी तौर पर बंद करना पड़ेगा। हमने इस सिलसिले में यहाँ पर कुछ वर्कर्स और कुछ शॉपकीपर से बात की है, ताकि हम समझ पाएँ कि उनके ऊपर उनकी रोजी रोटी का संकट किस तरीके का है। और ये जो फैसला है, ये अपने आप में हम कहें कि बड़ा प्रासंगिक हो जाता है एक ऐसे समय में, जब SDMC ने कुछ ही दिन पहले दुकानदारों को, जो मीट के दुकानें थी, उनको सलाह दी थी कि आप 9 दिन तक नवरात्रों में मीट मत बेचिए। तो कुछ वर्कर से बात की है, समझिए उनके संकट को कि ये किस तरीके का संकट है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए कि जिंदगी भर जिन्होंने यही काम किया है। अगर मान लीजिए मार्केट बंद होती है तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों की मार्केट बंद होगा तो हम तो ऐसे भूखा मर जाएंगे, क्योंकि हम बहुत दिन से मच्छी का ही काम करता हूँ, क्योंकि किसी और काम में हमें नॉलेज नहीं है, जैसे मच्छी के बारे में जितना नॉलेज है, किसी और काम में हमारा उतना नॉलेज नहीं है। हम मच्छी के अलावा कोई काम भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा इसमें ही सब कुछ है। SDMC ने आप लोगों को क्या हाथ में ऑर्डर दिया है? कैसे ये ऑर्डर आप लोगों को पता चला कि इसकी ऐसा करने जा रहे हैं? देखिए, अभी तक हमारे पास कोई पेपर वगैरह कोई सबमिट हुआ नहीं। बीच में एक बार आया था MCD चेकिंग के लिए, MCD चेकिंग करके देख रहा था जो यहाँ पे मार्केट में साफ सुथरा है कि नहीं, तो उसी के हिसाब से उन लोगों को जो ऑर्डर आया था, जैसे उसने बोल दिया था, उसी के हिसाब से हम लोग साफ सुथरा रख के कंटेनर वगैरह, जैसे यहाँ पे कूड़ा मत फेंकना, उधर पे ये करना, उधर वह करना, उसी के हिसाब से हम लोग साफ सुथरा करके रख रहे हैं। बीच में कोई चालान करके गया था, मगर अभी जो इशू है, यहाँ का जो प्रॉब्लम है, DDA ने जो प्लेटफॉर्म अलॉटमेंट किया था, उसी में हम लोग काम चला रहे हैं, मच्छी का बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी MCD बोल रहा है कोई भी बिजनेस करने से ये हमारा MCD का लाइसेंस चाहिए, मगर देखिए DDA ने जब यह पे प्लेटफॉर्म दिया था, तो ये पहले ये वाला मच्छी बिजनेस होता था रास्ते के पास में, तो वहाँ से जब यह पे तोड़ दिया तो उसके बाद ये प्लेटफॉर्म मिला था। अभी MCD आपको बोल रहा है जे मेरा लाइसेंस चाहिए, नहीं तो ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, उसमें है आपको 10x10 कंक्रीट घर होना चाहिए, जिसमें शीशा होगा या छत होगा, ऐसे कुछ। मगर यहाँ पे आप पोजीशन जो देख रहे हैं, एक एक प्लेटफॉर्म है 5x5, तो इसी के हिसाब से अगर मैं एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे अगर वॉल लगा दूँ तो दूसरा वाला दुकान ब्लॉकेज हो जाएगा, तो इसी के हिसाब से तो हम लोग ऐसे कर नहीं पाएंगे। देखिए, ये मार्केट बैठना शुरू हुई थी शुरू में 70-75 में, धीरे धीरे तो इसको फिर रीडेवलपमेंट करा गया। 2005 में इसका सर्वे हुआ था, 2005 में ज़्यादा हुआ था ना सर्वे, क्या 2005 में सर्वे, 2001 में सर्वे हुआ था रीडेवलपमेंट करने के लिए। फिर 2005 में इसको पोजीशन देना शुरू करा DDA ने अलॉटमेंट करके, जिसके पैसे हमसे 1,65,000 रुपये लिए गए। दुकान हमें प्लेटफॉर्म दिया गया 5x5 का, 1,65,000 रुपये लेके, तो ठीक है। उसके बाद हमने इनको पैसे जमा कराए, तो जिस जिसने पैसे जमा कराए उनको मिल गया प्लेटफॉर्म। फिर फ्री होल्ड करवाया इसको, फ्री होल्ड को पैसे हमने अलग डिपॉजिट करवाए। अब आके DDA हमें MCD आके बोलती है हमें इसका लाइसेंस दिखाओ, तो हमने कहा लाइसेंस तो इसका वहाँ पर है नहीं, आप लाइसेंस बनवा दो। तो बोलते हैं कि इतने से स्क्वायर फुट में लाइसेंस नहीं मिलता। तो हमने कहा जब हमें लाइसेंस नहीं मिलता तो हमें DDA ने दुकान दी क्यों, अलॉटमेंट किया क्यों? जब ये दुकान हमें अलाउड किया गया था तो MCD को देखना चाहिए था ना, DDA को बोलना चाहिए था कि आप जब ये दुकान हम इनको दे रहे हो तो हम तो इनको लाइसेंस देंगे नहीं, तो आप दुकान क्यों दे रहे हो? तो हमें फिर DDA बड़ी दुकान देती उनसे आपस में, DDA MCD दोनों सरकारी डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट है, ये तो हमें पता नहीं, हमारे फादरों को पता नहीं था। तो अब हमें बोल रहे हैं कुछ दिनों में आके, इतना साल हमसे कुछ मांगा नहीं गया, कुछ भी नहीं मांगा गया, अब आके बोलते हैं हमें लाइसेंस दिखाओ। तो हमने कहा लाइसेंस हमें दो, तो कहते नहीं। हमने कहा ठीक है, लाइसेंस हमें नहीं मिलता तो अब हमें इस मार्केट को आप लीगलाइज कर दो, इतनी दुकानें हैं, इतने स्क्वायर फीट पे इतनी दुकानें हैं, 30-32 दुकानें हैं, अब इस मार्केट को कर दो। कह रहे वो भी नहीं होगा। मैं कहा फिर क्या होगा? कह रहे नहीं, मार्केट को आपको कुछ दूसरे से करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो हम कोर्ट में जाना नहीं चाहते ना, तो हम ना ठीक है। तो हमें बोल रहे हैं इसका सोल्यूशन, DDA MCD आपस में क्या हुआ, हमारी तो इसमें गलती नहीं है, बीच में हमें हेरेसमेंट करा जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। अब क्यों परेशान किया जाए पता नहीं हमें। तो हम DDA का ही MCD का ही बोल रहे हैं, आप हमें इस मार्केट को, दुकानें नहीं होती, कम से कम मार्केट को लीगलाइज कर दो, आप कितने इतनी स्क्वायर फीट में इतनी दुकानें हैं, हमें इस पर लाइसेंस बना दिया जाए। मान लीजिए
एलटीएमसी कहता है कि आप मछली का धंधा बंद कीजिए और आप कुछ और कीजिए, तो देखिए ऑप्शन मतलब अगर और कोई काम आता तो इतना प्रॉब्लम के बाद हम लोग और कोई काम ही करते, मगर ये मच्छी का बिजनेस नहीं करते, हम लोगों का मच्छी के बिजनेस ही आती है और कुछ बिजनेस आते ही नहीं, क्योंकि छोटे से हम लोग एक काम करके ही बड़ा हुआ है, तो अभी क्या काम करूँ। यहाँ पे जो कितने लोग काम करते हैं और कितने लोगों की रोजी रोटी का? कम से कम 400 लोग, स्वीपर से लेके दुकान मालिक से लेके बच्चे उनके बच्चे से लेकर 400 लोगों से 450 लोगों का रोजी रोटी का सवाल है। बंद हो जाएगा तो मेरे तो भूखर में मर जाएंगे ना, क्या करेंगे भूखर में, सब तो रोजी रोटी इसके ऊपर है। देखिए मेरी बात सुनिए, नवरात्रों में सिर्फ 35% लोग हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, ओनली 35%। देखिए हर धर्म में ये कह रहा मैं, आपकी बलि पूजा होती है करते हैं वो हर आदमी कर, जो करते हैं वो करते हैं, जो वेजिटेरियन है उनके घर में मुर्गा, आपके सामने मुर्गा हो, आप वेजिटेरियन आप क्यों खाएंगे? मेरे पास स्टाफ है जो कि उनके सामने मुर्गा पड़ा वो नहीं खाते हैं, अब जैनी लोग हैं उनके सामने मुर्गा पड़ा होता है वो नहीं खाते, जो खाते हैं वो खाते हैं, तो इसलिए उस बात से नहीं फर्क पड़ता। ये नवरात्रों में ये ठीक है, पॉलिटिक्स है, चलता है जो चलता है, उसमें क्या कर सकते हैं।